वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैथ के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस पर सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? एक अपने को अपने पास होता है क्रय मूल्य, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं या सीपी कहते हैं। एक अपने पास होता है विक्रय मूल्य, जिसे अपने सेलिंग प्राइस या एसपी कहते हैं। यदि कोई चीज़ अपने ₹100 में खरीदते हैं और उसे ₹120 में बेच देते हैं, तो अपने पास कितने का लाभ हुआ? लाभ ₹20 का हुआ। या तो अपने से नॉर्मली ये क्वेश्चन है जो अपने 6th और 7th स्टैंडर्ड में करते थे, तो अपने को लाभ पूछा जाता है, लाभ ₹20। कई बार आपने पूछा है कितना परसेंट का लाभ हुआ, ये तो रुपये में लाभ है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, एक तो अपने से पूछता है कि लाभ कितना हुआ, फिर पूछता है लाभ परसेंट कितना हुआ। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बनते इसी तरह से हैं। या तो अपने कई बार अपने से हानि होती है, कई बार लाभ होता है। क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। वो अपने आज जो टाइप करेंगे, वो अपने पांच टाइप करेंगे, वो बेसिक टाइप हैं, वो अपने को आते हैं, लेकिन अपने को रिकॉल करना है। मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक कराया था, उसकी बहुत हेल्प मिलेगी इस टॉपिक पे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने अपने को इस टॉपिक वीडियो में अपने लाभ परसेंट निकालेंगे। यदि अपने को लाभ या हानि परसेंट निकालना है, वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है। अपने को ये ध्यान रखना है, जितना भी क्रय मूल्य निकलता है वो सीपी पे निकलता है। अब उनको करने के लिए एक तो ये दो फॉर्मूले हैं, या तो आप ये फॉर्मूले से कर लो, या आपने जो बेसिक मेथड सीखे हुए हैं, जो अपने बेसिक मेथड परसेंटेज में सीखे हैं, या उससे कर लो। इन दोनों की हेल्प से अपने वो निकाल सकते हैं। इन दोनों टाइपों से ये दोनों फॉर्मूला से आज के अपने सारे टाइप करेंगे। आप इनको नोट कर लेना, कैसे कैसे ये यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये अपने बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, बेसिक जो अपने परसेंटेज में सीखा है। तो कहता है कि अनिल ने एक घोड़ा 4000 रुपये में खरीदा। अनिल ने एक घोड़ा 4000 रुपये में खरीदा और उसे 4600 रुपये में बेच दिया। अब कहता है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 4000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? 4600 रुपये। उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। सिंपल लाभ तो अपने पास कितना हुआ, यदि खरीदा कितने में? 4000 में, बेचा कितने में? 4600 रुपये में। तो भाई लाभ कितने का हुआ? जो लाभ हो रहा है अपने को कितने का हुआ? 600 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन उसने लाभ परसेंट पूछा है। या तो फॉर्मूले से कर लो, या अपने बेसिक मेथड से भी इसको कर सकते हैं। अब कहता है कि अपने को, मैंने कहा था कि लाभ परसेंट निकालना है या हानि परसेंट निकालना है, या अपने को, मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था कि 4000 रुपये पर अपने को खरीदा, 4000 रुपये पे है, 4000 रुपये पे लाभ कितने का हो रहा है अपने को? 600 का। तो इसी प्रकार 1 रुपये पर लाभ कितने का होगा? 600 बटे 4000। अब 100% या 100, अब कुछ भी चीज़ अपने में 100% होती है, क्योंकि अपने को प्रतिशत निकालना है। तो 600 बटे 4000 गुना 100, ये हमारा लाभ परसेंट होगा। आप निकाल सकते हो, 00 00 कट गई, 6 से 6 कट गया, तो ये कितना आया? 15%। हमारा आंसर कितना हुआ? 15%। यदि आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, तो सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो लाभ या हानि का। तो मैंने कहा था कि लाभ या हानि निकालनी है, परसेंट निकालना है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो अपने को लाभ परसेंट निकालना है, ये सेकेंड फॉर्मूला है, सेकेंड वे है इसका निकालने का। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब लाभ परसेंट निकालना है अपने को, तो क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ अपने को? 600 का। क्रय मूल्य कितना था? 4000 रुपये गुना 100। सेम का सेम ये वाला डिस्क्राइब बन चुका है, सेम का सेम ये वाला फॉर्मूला सा बन चुका है। तो इसको अपने काटेंगे तो 15% आएगा। तो सौदे में इसको लाभ कितने का हुआ? 15% का। अब एक क्वेश्चन और है इसी बेस पर, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये वाला टाइप। तो हरी ने एक मकान 1.5 लाख रुपए में खरीदा 1,50,000 रुपये में खरीदा
उसका सीपी कितना है? 1,50,000 रुपये। कहता है उसे मकान की मरम्मत करवाने में 30,000 रुपये खर्च करने पड़े। कहता है उसने मकान तो लिया था, उसके साथ 30,000 रुपये उसने जेब से और निकाले उसकी मरम्मत कराने पर, तो उसे वो मकान कितने में खरीदना पड़ा? कितने में पड़ा? 1,80,000 रुपये में। 1,80,000 रुपये में उसने उसने मकान खरीदा और बेचा कितने में? उसने वह मकान 2,16,000 रुपये में बेच दिया। तो 2,16,000 रुपये में उसने वह मकान बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 36,000 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 36,000 रुपये का। अब अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है? अपने को पता है प्रॉफिट हुआ है तो अपने प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो वही का वही फॉर्मूला निकालो या वो टाइप निकाल लो जो मैंने ये कराया था, कैसे मर्जी निकाल लो। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लाभ परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 36,000 रुपये का। और प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पर निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 1,80,000 रुपये गुना 100। तो 000 कट गया, ये 00 नीचे बची है, इसको ऊपर वाले से काट दिया, तो ऊपर कितना बचा? 360/18। तो काटा तो कितना है? 20% उसे प्रॉफिट हुआ। ये करने का ये वे था। अब सेकंड टाइप देखते हैं, और इसका सेकंड टाइप क्या कहता है? रमेश ने एक अलमारी 8,000 रुपये में खरीद कर उसे 6% लाभ पर बेच दिया। रमेश ने एक अलमारी पहले कहता है उसे 8,000 रुपये में खरीदा, तो सीपी कितना है? 8,000 रुपये। सीपी कितना है? 8,000 रुपये। उसे 6% लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट कितना है? 6% पर। अब मैंने आपको एक परसेंटेज में भी कराया था, 8,000 रुपये तो उसने खरीदी थी, 8,000 रुपये उसने 8,000 रुपये पर 6% का लाभ लिया, मतलब अपने 8,000 तो उसका, उसने पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य बताओ, 8,000 तो होगा उसके अंदर विक्रय मूल्य, ये तो अपने को पता है कि 8,000 तो लाभ तो ले रहा है, तो 8,000 तो जुड़ेंगे, लेकिन 8,000 पर आप 6% और निकाल सकते हो। 8,000 का 6% निकाल लो, 8,000 का 6% निकालता हूँ, तो 000 इकट्ठा कितना है? 480। तो 480 को इसमें जोड़ दो, तो वो कितना आया? 0,84, 84.80 में उसने इसे बेच दिया। ये 84.80 उसका क्या है? उसका विक्रय मूल्य। उसने कहा था कि रमेश ने एक अलमारी 8,000 रुपये में खरीदी, 8,000 रुपये में खरीदी, उसे 6% लाभ पर बेच दिया। अब 8,000 रुपये तो उसकी कीमत होगी, क्योंकि लाभ ले रहा है, हानि थोड़ी ले रहा है, 8,000 तो उसे मिलेंगे खरीदी थी जितने की, और 6% लाभ पर बेच दिया, तो 8,000 का 6% निकाल लो, 6% निकाला तो कितना है? 480। 480 को 800 में जोड़ा, 8,000 में जोड़ा, तो कितना है? 84.80 में उसने उसे बेच दिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? क्या कहता है कि SP/CP बराबर 100+ लाभ या हानि बटे 100। अब अपने को एक तो CP दे रखा है, लाभ दे रखा है, और अपने को SP पूछ रहा है। SP निकालने का तरीका निकाल लो, कैसे निकालते हैं? तो 100 में लाभ दे रहा है, तो लाभ तो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 100 में 6 जोड़ा तो कितना हुआ? 106। और CP कितने मल्टीप्लाई होगा, ये तो अपने को पता है कि अपने को ये निकालना, बाकी सारे उधर चल जाएंगे। तो 8,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बटे कितना है? 100। 00 से 00 काटा, अब 106 × 80 करेंगे तो 84.80 इसका आंसर आएगा, 84.80 इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये भी इसी टाइप पर है, ताकि आपको क्लियरिटी बन जाए। कहता है कि राम ने एक साइकिल 2100 रुपये में खरीद कर, कहता है राम ने एक साइकिल 2100 रुपये में खरीदी है, तो उसका CP कितना है? 2100 रुपये है। CP कितना है? 2100 रुपये है। CP कितना है? 2100 रुपये है। कहता है उसे 10% हानि पर बेच दिया, हानि कितनी हो रही है उसे? लॉस 10% हानि पर बेच दिया। अब 2100 का अब SP निकालना है। अब यदि लाभ हो रहा था तो अपने इसको जोड़ दिया, लाभ हो रहा था तो जोड़ दिया, अब हानि का निकाल लो। हानि का यदि 2100 का 10% निकालता हूँ, 2100 का 10% निकालता हूँ तो कितना आता है? 210। यदि लाभ हो रहा था तो मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, अब लाभ नहीं हो रहा तो हानि हो रही है तो मैं इसको घटा दूंगा, तो घटाने पर इसको घटाएंगे तो कितना बचता है? 1890 रुपये इसका मान आता है।
कहता है राम ने एक साइकिल 2100 रुपये में खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। अब सीपी कितना था? 2100 रुपये। लॉस कितना हो रहा था? 10%। अब 2100 तो उसका बेचेगा बेचेगा, लेकिन 2100 में लॉस ले रहा है, तो लॉस को मैंने घटा दिया। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। अपने को एसपी निकालना है तो लॉस हो रहा है, तो इस लॉस, ये पिछली बार प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट 100 में जोड़ दिया, लॉस को घटाऊंगा तो कितने रह जाएंगे, 10, 90 गुना सीपी का मल्टीप्लाई होगा 2100/100। 0000 कट गया, 0, 21 नवा कितने होते हैं, 189, तो 1890 इसका आंसर आ गया। अब एक और टाइप करते हैं अपने, कहता है कि राम ने एक फ्रिज 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, 4% का लाभ कमाया, तो फ्रिज का क्रय मूल्य बताओ। कहता है उसने बेचा कितने में है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 8580, और उसे प्रॉफिट कितने का रहा है, प्रॉफिट 4% का, तो कहता है उसका सीपी बताओ क्या होगा। आप फॉर्मूले से कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूले को भी कर सकते हो। पहले विदाउट फॉर्मूले करता हूँ। उसने इसको कितने में बेचा, 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। मैंने कहा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यदि 10 घटाऊंगा तो हानि होगी तो 90 हो जाएगा, यदि लाभ होगा यही तो 110 हो जाएगा। अब 4% का लाभ हो रहा है, परसेंटेज का यही होता है कि 100% में निकालते हैं, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ जाएगा, यदि लॉस हो रहा है तो घट जाएगा। तो अब ये कहते हैं 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। अब 4% का लाभ कमाया जुड़ जाएगा, 104 की वैल्यू कितनी हो गई, 8580, और 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8580/104, और 100% की वैल्यू कितनी अपने निकाल सकते हैं, यही हमें निकालना है, 8580/104×100। अब इसको काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा, देख लो किस पाड़े से ये कटता है, तो अपने इसको आप काट सकते हो। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 8250 रुपये, 8250 रुपये इसका आंसर आएगा, आप काट सकते हो। अगर आपको ये यूज़ करना है ये मेथड यूज़ कर लो, अगर आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना तो आप सेकंड मेथड जो फॉर्मूले वाला है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। आपने फॉर्मूला तो देखा था, ये फॉर्मूला होता है, अपने को पिछली बार ये वाला मान निकालना था, ये वाला मान निकालना था, तो अपने इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने को ये वाला मान निकालना है, इस बार ये वाला मान निकालना है, तो अपने को एस पी, ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, अपने को एस पी निक सॉरी सी पी निकालना है, सी पी निकालना है, तो अपने को ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एस पी गुना 100/100 प्लस लाभ माइनस होगा तो हानि हो जाएगी, ये फॉर्मूला बनेगा अपने। अब इस फॉर्मूले को यदि अपने पिछले क्वेश्चनों में निकाला था कि उसका विक्रय मूल्य बताइए, तो अपने क्रय मूल्य का इधर मल्टीप्लाई कर देते। अब उसने क्रय मूल्य पूछा है कि उसका क्रय मूल्य बताइए, तो अपने क्रय मूल्य मैंने एक तरफ कर लिया, बाकी को दूसरी तरफ लेगा, सेम का सेम यही प्रोसीजर बनेगा, अपने क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए एस पी गुना 100, एस पी कितना है, 8580/100/100 प्लस लाभ या हानि, लाभ हो रहा है तो लाभ जोड़ दूंगा 104, ये वाला बन गया, अब काट सकते हैं अपने। अब सेकंड क्वेश्चन इसी पे है, ताकि आपकी क्लियरिटी और बन जाए, आपकी क्लियरिटी और बन जाए, देखते हैं। दिनेश ने एक घड़ी 2700 रुपये में बेचकर, दिनेश ने घड़ी 2700 रुपये में बेचकर उसे 10% हानि प्राप्त की, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, उसका एसपी कितना है, 2700 रुपये, 10% हानि प्राप्त की, 10% हानि प्राप्त की कितना हुआ, तो 2700 में बेची है और 10% हानि प्राप्त की है, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी, 2700, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2700/90, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2700/90×100, तो 100 से 0 कट गई, ये कितना है, 9 × 3 = 30, 30×3 कितना है, 3000 रुपये, तो उसने घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपये। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं तो भी 3000 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे है, अपने इस बेस में लास्ट में क्या निकालते थे, 100% निकालते थे, कोई भी चीज़ 100% होती है, लेकिन वो देगा कि आप 70% निकालो, 50% निकालो, 30% निकालो। इसमें तो मैंने आपको कहा है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, वो अपने को नहीं देता तो अपने सीधा 100% निकालते हैं, लेकिन वो लक्ष्य इस क्वेश्चनों में वो चीज़ देगा, अपने से पूछेगा। कहता है कि राम ने एक पंखा 2550 में बेचा, उसका एसपी कितना है, 2550
पचास, कहता है 2550 में बेचा, उसे 15% की हानि हुई, 15% की हानि हुई। सेम का सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सेम का सेम क्वेश्चन है। राम ने एक बेचकर 4% का लाभ या हानि प्राप्त की। सेम का सेम क्वेश्चन है, सेम का सेम। तो पहले उसे कितने हुई है, लॉस हो रहा है, कितने को आ रहा है, 15% का। फिर कहता है कि उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। यहाँ तक तो वो सेम की सेम सिचुएशन है जो पिछले टाइप किया था। तो 85% की वैल्यू कितनी आ गई, 2550। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2550 बटे 85। अब कहता है कि 20% लाभ पर हो। अब 20% लाभ पर हो तो अपने यहाँ तो घटा रहे थे 100 में से, अब यहाँ 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120% की वैल्यू निकाल लो। 120% की वैल्यू कितनी होती है, 2550 बटे 85 गुना 120। अपने इसका एक और मेथड है, आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो। पहले अपने देखते हैं कि पिछले सवालों में अपने 100% की वैल्यू निकालते थे, अब उसने 20% का लाभ कमाना है, और तो 20% का लाभ तो 100 में जुड़ेगा। तो अपने इसको जब सोल्व करते हैं, आप सोल्व भी कर सकते हो, सोलह 5 के पार्ट से काटें तो ये कितना आएगा, 17। ये कितना आएगा, 5। ये कितना आएगा, 1। 0 17 थी 51, 3 तो कितना आया, 12 थी 36। 3600 रुपये का उसे बेचेगा। ये हमारा नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, सेम का सेम। अब आगे एक और क्वेश्चन है ताकि आपकी और क्लियरिटी बन जाए इस क्वेश्चन पर। कहता है कि सुरेश ने एक घोड़ा 20,000 रुपये में बेचा, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 रुपये। कहता है उसे 25% का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का। कहता है सुरेश घोड़े को कितने में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। दोबारा फिर 30% का लाभ चाहता है, इसमें एक बार लॉस हुआ था, दोबारा प्रॉफिट चाह रहा था, इस बार दोनों प्रॉफिट चाहता है। तो 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ तो 125% की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 बटे 125। अब पूछता है कि 30% का लाभ हो तो 130% की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 बटे 125 गुना 130। आप इनको काटोगे तो आसानी से ये कट जाएंगे, क्योंकि अब काटते हैं देखते हैं, 25 8 है 200, 0 25 5 है 125। अगर इसको काटता हूँ तो ये कितना था, 26 5 है 130। अब 26 को 800 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप कर लो 0 0 8 6 48, आंसर लाई 4 8 9 16 और 4 20। तो 20,800 में इसको बेचेगा, ये इसका मूल्य आएगा। अब एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं, आज के हमारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। कहता है कि ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं मनोज ने एक साइकिल 2,000 रुपये में खरीदा, मनोज ने एक साइकिल 2,000 रुपये में खरीदा, उसे 20% लाभ देकर जगदीश को बेच दिया, 20% लाभ देकर जगदीश को बेच दिया, जगदीश ने उसे 10% हानि पर राजू को बेच दिया, तो बताइए राजू ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी। ये सेम का सेम टाइप मैंने परसेंटेज में भी बताया था। अब कहता है मनोज ने खरीदी है, फिर उसको जगदीश को बेचा, जगदीश ने उसको राजू को बेचा, और लास्ट में कौन है, राजू आ रहा है। तो मैंने कहा था इधर तो अंतिम मान आता है, इधर तो अंतिम मान आता है, इधर प्रारंभिक मान आता है, और प्रारंभिक मान के साथ कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, उसको अपने लिखेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट से अपने ये सवाल कर सकते हैं, मनोज ने साइकिल, क्योंकि मनोज शुरुआत का बंदा है, प्रारंभिक बंदा है, तो प्रारंभिक मान किधर आएगा, इधर 2,000। तो उसे उसने 20% लाभ देकर जगदीश को बेच दिया, तो 120 होगा, 120% परसेंट डालूंगा तो 100 लग जाएगा। फिर जगदीश ने उसे 10% हानि पर बेच दिया, 90 बटे 100 राजू को बेच दिया, तो बताइए राजू ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी। राजू लास्ट का बंदा है तो लास्ट उत्पाद होगा, तो लास्ट उत्पाद निकाल सकते हैं, 00 00 कट गया, 10 से ये कट गया, 10 से ये कट गया, तो लास्ट में बचा क्या, 20 गुना 12 गुना 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लो, 12 9 कितने होते हैं, 108 गुना 20, तो 208 216, 2160 रुपये में उसने राजू को साइकिल, तो 2160 रुपये में राजू ने वह साइकिल खरीदी, क्योंकि राजू लास्ट वाला बंदा था और लास्ट वाला अंतिम अनुपात अपने इधर रखते हैं। थैंक यू, ये हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस का part 1 था। इसके बाद अपने part 2 और part 3 करेंगे ताकि आपको पूरे कंसेप्ट और क्लियरिटी बन जाए, ताकि आपको कभी कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।